बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताऊंगी। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि a प्लस बी बराबर 3 और ए बी बराबर 2, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा बनेगा कैसे? ए प्लस बी का होल क्यूब कर देंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें मिल जाएगा ना उसमें। तो चलिए ए प्लस बी का होल क्यूब करते हैं, वो पूरा फार्मूला रख लेते हैं। ठीक, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। चलिए, ए प्लस बी हमारा देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं नीचे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ए प्लस बी बराबर 3 है और ए बी बराबर कितना है? 2 है। तो ए प्लस बी हमारा कितना है? 3 है। तो हम रख लेते हैं 3 का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमें मान ज्ञात करना है, इसकी जगह पे हमारा कुछ नहीं है। 3 इंटू ए बी हमारा क्या है? 2 है, ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए प्लस बी हमारा कितना है? 3। ठीक, अब देखो इसका चाहे विस्तार कर लो और ऐसे ही कर लो, तो चलो विस्तार कर लिए हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 का देखो 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 6, और 6 का 3 में करोगे तो 6 × 3 = 18, और इसका करोगे 3 × 3 = 9 × 3 = 27 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 18। अब देखो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है, तो इसको हमें इस तरफ पंचांतर करना पड़ेगा। 27 उधर प्लस में है ये, तो इधर आएगा तो माइनस में आएगा। 18 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो 27 से 18 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 17 में से 8 गए 9, 1 में से 1 गए 0, कुछ नहीं। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हमारा आ गया है कितना? 9। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर ये आपको सवाल समझ में आए हो तो ये वीडियो को लाइक करिए, और इसके आगे के सवाल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलो, बाय बाय।